तेरी ऐसी तैसी, थोड़ा धीरे नहीं चला सकता तो ऑटो व्लॉगिंग होगी। अब ऑटो नहीं, अरे यार ऑटो नहीं नहीं कार व्लॉग। अब पूछते हैं रिव्यू जहाँ पे हमने खाया, तो विकास भाई बहुत बढ़िया मजा आ गया, पैसा दिया था मैंने ये बुलवाने का, पता है आपको इतना दिन घूमोगे हमारे साथ हाँ, कि बताओगे कि हमारा दिन कैसा रहता है और हम कैसे तड़पते हैं। बहुत स्कूटी से तो हालत खराब हो जाती है भाई, बर्थडे मेरा आज। देखो इतना हल्का आदमी, मेरे अंदर से खून निकाल लिया इन लोगों ने। सो विकास भाई मजा आ गया भाई गुल्लू के खाने। तो जी काम पे चलना है पर हम तीनों रेडी हैं, पर उससे पहले एक चीज इसमें मुझे चेक करनी है जो कि है इंडिकेशन, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और वो कई बार मुझे दिक्कत फील हो रही है। खुल जा सिम खुल गया। अभी आज के दिन जीपीएस भी लगेगा, जीपीएस वाला भी थोड़ी देर में आ रहा है और कार के अंदर जीपीएस होना बहुत ज़्यादा जरूरी लगता है मुझे। सेफ जोन 100% सेफ जोन लगता है। कुत्तों ने आते इसको उद्घाटन कर दिया गंदे वाला है, देखो मतलब नई गाड़ी देखी नहीं, चमकाहट देखी नहीं, चढ़ गए और आज अब उतर रात को इस पर सोए होंगे। अब इसके लिए मुझे कवर्ड का अरेंजमेंट करना है, अदरवाइज ये पूरी तरह से गंदा हो जाएगा। लो जी साफ सफाई होगी और अपने सर जी आगे जीपीएस लगाने के लिए 160 रुपए साल का रिचार्ज। सर्विस वर्विस सब कुछ होती है ना। अच्छा सर्विस रहेगी इसमें, लगाने का कॉस्ट क्या है इसका? नहीं वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ भाई अपना जीपीएस इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो चुका है और पूरा पूरा। अच्छा भाई कनेक्शन किसके साथ, बैटरी डायरेक्टली रहेगा या? अच्छा डायरेक्टली रहेगा, थोड़ा एक बार मिरर ऊपर कर लेना कुछ सेकंड के लिए जिससे नॉइस। हाँ 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 गाड़ी में सबसे अच्छा सबसे मधुर लगता है कि बाहर के चैचू पै पू से बच गए। तो अभी क्या, अब हम दोबारा चल चुके अपने काम पे, पर इस बार जा रहे अपनी गाड़ी से, अब आने वाला है जो मजा। और व्लॉगिंग करना कैसे, मोटो व्लॉगिंग की होगी, कार व्लॉगिंग वाली चीज है। एंड कल पूरा सीन आप लोगों ने देख लिया था भाई, रात को घर से उठा लिया गया हूं मैं, शादी वाला सीन। एंड अभी थोड़ा सा हमें मार्केट में चलना है, कुछ चीजें लेनी है विकास भाई के लिए क्योंकि इनके घर पे जा रहे हैं अभी, जो इनकी प्रॉपर्टी है पुस्ता साइड। ये हमारा वो अड्डा है जहाँ पे हम हमेशा खाना खाते हैं, इस एरिया पे आते हैं क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा होता है। और आज यहाँ पे जो टेस्ट का रिव्यू फीडबैक अगेन देंगे वो रहेंगे अपने विकास भाई। तो आप टेस्ट करने के लिए रेडी हो यहाँ का खाना? बिल्कुल, चलो भाई खाते हैं हम लोग, उसके बाद टेस्ट बताते हैं। अब पूछते हैं रिव्यू जहाँ पे हमने खाया, तो विकास भाई बढ़िया बहुत बढ़िया मजा आ गया, पैसा दिया था मैंने ये बुलवाने का, पता है आपको इतना, मतलब कैमरा जाने से पहले अगर आपको कमेंट्री अच्छी मिल जाए इसका मतलब पैसा दिया गया है। तो नहीं ऐसा नहीं है भाई, हम तो हमेशा खाते हैं, टेस्टी होता है। और एक बात बताऊं, 150 के अंदर सिर्फ 150 खर्चा हुआ, तीनों का पेट भरा है प्लस रायता भी मिला है। अब सोचो यार आप लोग कहाँ हल्दीराम में गुजरते हुए 400 रुपए में कुछ नहीं मिलता, पर वहाँ पे भी अपना टेस्ट है, एक अपना वहाँ पे अपना लेवल अकॉर्डिंग ठीक है, सब बढ़िया खाना सारा बढ़िया, जिसकी जेब में जो पैसा उसके लिए वो खाना उतना बढ़िया है ना। और भाई साहब बात की जाए, ऐसी लोकेशन में हम आते रहते विकास भाई, बहुत बढ़िया है भाई, मजा आ गया, गांव का याद आ गया, बताने से पहले ही बोल दिया, फिर से पैसा दिया कंप्लीट भी नहीं हुआ उससे पहले ही जवाब, जबकि मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मैंने कहा आपने, आप कहते कि एक दिन घूमोगे हमारे साथ कि बताओगे कि हमारा दिन कैसा रहता है और हम कैसे तड़पते हैं। बहुत स्कूटी से तो हालत खराब हो जाती है, अभी तो एक ही लोकेशन है, अभी एक ही लोकेशन है, अभी दूसरी लोकेशन जाना है। रोड यहाँ का बिल्कुल, गांव जो होता है ना हमारे गांव से भी बेकार है। हाँ भाई अभी इधर डेवलपमेंट आना बाकी है, पर यहाँ आने के बाद दिल्ली की हवा और यहाँ की हवा में डिफरेंस है, बहुत अंतर है, बहुत तगड़ा है, मजा आता है यहाँ पे। जैसे अभी मन कह रहा है कि खाट उठाया और सो जाओ, मजा आ जाए, वैसे हवा भी ताजी फ्रेश है, ठंडी चल रही है और चारों तरफ खेत है ये, हीरो हीरो लाल आ रहे हैं। हाँ इधर से ये हजार मतलब चार खेतों के बीच में। आज सुबह सीन क्या हुआ, हम रात को 11:30 बज गए थे, 12:30 बजे मैं घर पहुंचा था। सुबह पापा आए मेरे पास, कह रात को तू छत पे गया था, मैंने कहा नहीं पापा मैं कहाँ छत पे गया था, कह रहे बोतलें पड़ी, मैंने कहा कौन सी बोतलें पड़ी, कह दारू की, मैंने कहा दारू की बोतल, मैंने कहा मैं पीता हूँ नहीं दारू की बोतलें, का सीधा सा कहा जाए लौंडा बिगड़ गया है, मतलब ऐसे लोगों के साथ रह रहा है कि पीने लग गया होगा भाई। मैं सचो शक, मैंने कहा यार घर वाले सीधा मेरी गद्दी पकड़ के तू पीने लग गया है क्या, और कोई भी तो हो सकता है। नहीं पहले भैया वगैरह रहते थे साइड में, वो पीते थे ठीक है, अब वो तो है नहीं भाई, वो लोग चले गए, पर मुझे पता नहीं है कौन पिया। पापा मेरे को शक कर रहे हैं क्योंकि हम लेट हो गए थे, फिर मैं जब घर पे आया गाड़ी खड़ी की दोस्तों के साथ, फिर शादी के लिए निकला, फिर उसके बाद 12:30 हो गए आते थे, तो पापा ने वही सोचा कि ये दोबारा क्या होगा, क्या पता ये सारे ऊपर बैठ के पी रहे हो। अरे आगे जी आप लोग आगे, अरे जी देखो जो मजा आता है यार, आपने ऐसे भाई लोग उधर बैठे हुए, इधर विकास भाई बैठे हुए, भाई कैसा आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसे मजा आता है, कैमरे मैन से तो पूछ लो सुमित भाई कैसा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा मजा
बस इतना सा रिप्लाई। चलो भाई देखो अभी थोड़ा सा हमने काम उदाम निपटाया है, थोड़ी सी स्वीट हो जाएगी, उसके बाद निकलते हैं सेकंड लोकेशन पे जो कि विकास भाई का घर। टेबल कर रहा हूँ, चेयर पे रखो। प्लेट नहीं लेके अरे आगी आप पकड़ पकड़ पकड़ो केक काटूंगा मैं। सेट गो। Happy birthday to you, happy birthday to you, सचिन क्या बात है। Happy birthday सचिन भाई। इसी बात पे भैया आओ भाई, सबको खिलाऊंगा भाई बर्थडे मेरा आज। Happy birthday सचिन भाई, बहुत टॉप का मजा आ गया भाई, मैं खिलाऊंगा अब तुम्हें। अरे सबको तो खिलाने दो मुझे, पहले खिलाओ। चलो चलो हां लाओ, पहले अपना खत्म करो। बिन्नी मुझे दे दी। क्या दे देखो इतना हल्का आदमी मेरे अंदर से खून निकाल लिया है ना लोगों ने। ठीक है जी, और अब शुगर कैन बना लो गुरुजी। ये आदमी जो है ना, ये मर जाएगा। चलो अब काटो, सबका खून निकाल। सो गाइस देखो हम लोग तो निकल चुके हैं, पानी यहाँ पे हो गया मेरा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट। थोड़ा सा प्यार भाइयों का हमारे लिए ज्यादा रहता है, तो जस्ट केक लेने गए थे क्योंकि यहाँ पे आने बाद पेस्ट्री काफी खाते हैं। क्या हो गया यहाँ से? लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले लो, शिव मंदिर उधर है, यहाँ नहीं है तो जाना है। हाँ हाँ इधर चलते रहो, सीधा यू टर्न लेके उधर घुसेंगे ना। नहीं या फिर यहाँ से यू टर्न लेके इधर भी घुसेंगे। यहीं से ले लो यू टर्न, यहीं से ले लो। केक कट किया, सेलिब्रेट किया मैंने अपना। हाथ दिल पे लगता है जब कट से आवाज आती है ना गाड़ी के नीचे से, बहुत 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 गंदा तरह से। मतलब नहीं अपनी अभी हैबिट नहीं, चीज बोलूँ तो ये इतनी भी नीचे नहीं है, ग्रेनाइट इतनी भी नीचे नहीं है दोस्तों, है ना। पता नहीं तो मतलब केक कट किया, उसके बाद खाया हुआ सेलिब्रेट किया उसका, हम निकल चुके हैं। मजा गया, केक कैसा था वैसे? बहुत बढ़िया। ये वाला केक मैं घर वालों के लेके गया था, जो आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर किया था, काफी टेस्टी अल्टीमेट लेवल का है। अगर आप लोग भी चाहते इस टाइप का केक खाना तो वाली वीडियो देख लो ना। प्रॉपर्टी से आगे चीजें हमने जो चेक करनी थी वहाँ चेक कर लिया, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन हमें रिसीव हुआ है। बट अगेन आ चुके हैं हम अपने चाउमीन वाले दादा के पास, अब जाके चाउमीन खा के आता हूँ फिर मिलता हूँ, क्योंकि भाई सब यहाँ आए और चाउमीन ना खाए तो बेकार है, क्योंकि इस भैया की जो चाउमीन है किसी को भी मैं चैलेंज दे सकता हूँ, अगर एक बार आप लोग खा लोगे ना अपना मजा ही आएगा। तो मैं आता हूँ, पुस्तक के बिल्कुल सामने है और कैमरा वगैरह लेके नहीं जाऊँगा, अंधेरा हो गया, ब्लॉग तो हो नहीं पाएगा। सो विकास भाई मजा आ गया भाई, गुल्लक तो खाने आज पूरे दिन मतलब क्वेश्चन से पहले रिप्लाई आ रहे हैं। मुझे पता था ना पहले क्या क्वेश्चन। भाई देखो यहाँ पे हमने तारीफ करी थी जैसी वैसी ही मिला एज इट इज, तो भाई यहाँ पे खा के अब सीधा घर चलेंगे, बिकॉज हालत थोड़ी सी भी टाइट नहीं हुई जितना स्कूटी में होती थी। हाँ, अब बात की जाए मोटो व्लॉगिंग कैसे होगी, तो ऑटो व्लॉगिंग होगी अब। ऑटो नहीं, अरे यार ऑटो नहीं नहीं कार व्लॉगिंग, कार व्लॉगिंग, सॉरी सॉरी, अरे ऑटोमोबाइल वाला वो आया था ना यार, इसलिए वो इसलिए बोला मैंने। तो अब अपनी स्टार्ट हुई कार व्लॉगिंग, यहाँ पे लगाऊंगा ये देखो, यहाँ पे लगेगा माउंट जो कि यहाँ लेंस का, और माइक ऑलरेडी कहाँ गया ये रहा, इधर एक माइक लगा हुआ है। तो और पर यहाँ पे मैं अपना जो रोड वाला माइक है ना भाई, पैसा खर्च के वो वाला सेटअप करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा जो नेक्स्ट व्लॉग्स आपको मिलेगा, जितनी भी मॉडिफिकेशन होने वाली गुरु स्टार्ट करो, चलते हैं। स्कूटी से आते थे धूल होती थी, हम कहते थे और गाड़ी वाले गाल देते तेरी ऐसी तैसी, थोड़ा धीरे नहीं चला सकता, पूरा मिट्टी में धूल जा रही है। आज कैसा लग रहा है भाई? आज हम धूल उड़ा रहे हैं। हाँ धूला धुआ दे रहे होंगे, आज हम खाने वाले बन गए। बस लो जी पहुँच गए। ठंडा कितना है बाहर? ठंडा है बाहर, ठंडा लग रहा है भाई मेरे को तो। भाई साहब ठंड बढ़ गई दोबारा, ठंड दोबारा आ गई क्या? नहीं मौसम ऐसा है, ठंड इसलिए आ चुकी है, बाहर ठंडा बाहर ठंडा है। और जी सिग्नेचर ब्रिज देख ले पवि, ओए ओए वैसे तो रहते यही है, देखते यही है, पर कभी फोटो क्लिक करने का मन नहीं करता, बाइक से तो कई बार गए हैं। तो ये है अपना सिग्नेचर ब्रिज, आस पास में डेवलपमेंट करी है ना सिग्नेचर ब्रिज के व्यू के लिए करी है, उधर देखो ये तो होटल दबा के बना दिए गए, होटल नहीं कैफे वगैरह लंच के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। अब हम यहाँ से कुछ फोटोज क्लिक करते हैं, ये पूरा ऊपर